आज मैं बहुत लोगों को लूटूंगी रे। फिर ये लड़कियां उन दुकानदारों की तलाश में निकल पड़े जिनका दिन खराब करना था इन्हें। हाथ जोड़ लिया दीदी, अब तो 100 रुपीस ज्यादा दे दो। सिद्ध, अगर ये तुझसे प्यार करती है तो आज पलट के देखेगी। पलट। गलती से भी किसी लड़की को लेके यहाँ मत आना गाइस, बहुत पछताने वाले हो। तो दोस्तों, ये आज हमारा दूसरा दिन था कोलकाता में और हम सब निकल पड़े शॉपिंग करने कोलकाता का फेमस न्यू मार्केट में। अरे ये लड़कियां कहां पीछे रह गई यार, कितना स्लो चलते हैं यार ये लोग। भैया ये सामान कितने का दिए? उस तरफ जाओ मैम, उस तरफ बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, अब वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं हमें? अरे मैम, उन दुकानदारों की जिंदगी अच्छी चल रही है, उनको जाके परेशान करिए प्लीज। अच्छा ये बात, चलते फिर। ओके। फिर ये लड़कियां उन दुकानदारों की तलाश में निकल पड़े जिनका दिन खराब करना था इन्हें। घंटों की तलाश खत्म होती है और लड़कियों को मिलता है उनका पहला बकरा। भैया ये कितने में दे रहे हैं? 400 रुपीस मैडम। 200 रुपीस कम करेंगे तो ही मैं अंदर पैर रखूंगी। मैं 200 रुपीस ज्यादा लूंगा, आप प्लीज अपने कदम बाहर ले जाएं। आओ, कितना क्यूट है ना ये भाभी। भैया हम उड़ीसा से आए हैं, थोड़ा कम करिए ना। उड़ीसा छोड़िए, अगर आप अमेरिका से भी आए होते तो 1 रुपया भी कम ना करते हम। पहले दुकानदारों के हाथों बेइज्जत होने के बाद हमारी लड़कियां हार नहीं मानी और निकल पड़ी दूसरा बकरा ढूंढने में। भैया ये कैसे दिया? लो एक और आ गई टाइम पास करने, ये पैक करके पॉलिथीन में देंगे मैम। भैया थोड़ा तो कम करो ना। क्या और कम? मैडम इससे सस्ता पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है फिर मैं थोड़ा उधर से घूम के आती। Oh, no! मैडम ये वाली ट्रिक ना आजकल काम नहीं करती। आपको क्या लग रहा, आप ऐसे निकलने वाले हो गए और हम आपको पीछे से बुला के ये सस्ते में दे देंगे? वो सब बस आजकल टीवी सीरियल में ही होता है मैडम। ये कैसी लग रही है भाभी? वाओ थैंक्स डियर, बहुत अच्छी लगेगी मुझ पे। थैंक्स भाभी, बट ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। घंटों घूमने के बाद भी लड़कों के लिए एक चीज तक नहीं मिली इधर दोस्तों, सिवाय इस जेंट्स टॉयलेट के। इस डॉगी भाई की ख्वाहिश थी कि अगले जन्म वो इंसान के रूप में धरती में आए, पर हमारी लड़कियों को देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ए भगवान, अगले जन्म मैं कुत्ता ही कीजो। आज मैं बहुत लोगों को लूटूंगी रे। ओलाला भैया ये क्या है? अरे मैडम वो बरस बरस आता है ना कुछ, जिसमें आप लोग मुंह में पेंटिंग वेंटिंग करते हो। तो भैया ये आपके किस काम का? मुझे दे दीजिए ना फ्री में। सिद्ध, अगर ये तुझसे प्यार करती है तो आज ये पलट के देखेगी। वेट दोस्तों, जो दिखता है असल जिंदगी में वैसा होता नहीं है। एक्चुअल में देखो, ये हमारी बीवी कुछ खरीद रही है उधर। जैसे ही पैसे भरने का टाइम आएगा मैडम मुझे बुला लेगी। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो। हेलो हेलो हेलो, किधर गए हो मिस्टर एटीएम? जल्दी इधर आओ। What? देखो मैंने क्या लिया, कैसे लाइट चल रहा है, देखो ना। मैडम एक और दे दो क्या? एक और? हाँ दे दो दे दो, बिल तो हस्बैंड ही भरने वाले हैं। ये भी डाल दीजिए। अरे वेट वेट, बत्ती तो बंद कर दूँ? आपकी दिमाग की बत्ती भी इसी तरह बुझी पड़ी है, उसको भी कभी जलाओ मैडम। कुछ बोला आपने? अरे कुछ नहीं। अरे भाई तू कर क्या रहा है, कुछ तो निकल ही नहीं रहा। दोस्तों बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ यार, प्लीज कोई आके मुझे बचाओ। लड़कियों नीचे वाले स्टॉल में सस्ते में कपड़े मिलते हैं, चेक करो प्लीज। भैया ये देखो कपड़े में छेद है। ओके मैडम नया दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इसी में काम चला लूंगी, बस 200 रुपीस कम कर दो ना। भैया हम आपके पड़ोसी राज्य से आए हैं, उड़ीसा से, कुछ तो कम करिए। मेरा भी घर उड़ीसा में है, राउरकेला। राउरकेला? व्हाट, हम लोग भी राउरकेला से हैं, अब तो पक्का डिस्काउंट लेंगे। हाथ जोड़ लिया दीदी, अब तो 100 रुपीस ज्यादा दे दो। लो मैंने भी हाथ जोड़ दिया, अब तो 100 रुपीस कम कर दो। दादा ये रहा हमारा चैनल सिद्धि दास। दिखाओ दिखाओ। आप भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। शॉपिंग करते करते कब अगला दिन हो गया पता ही नहीं चला। कुछ लोग तो शॉपिंग करते करते थक गए और रोड में ही बैठ गए। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा इस न्यू मार्केट को बैन करा जाए। उड़ी बाबा ममता दीदी। फाइनली वो मोमेंट आता है जब इन महिलाओं का मन शॉपिंग से भरता है और हम होटल की तरफ वापस निकल जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको इस ट्रैम की कसम इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। दोस्तों कोलकाता के लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, उसका एक लाइव एग्जांपल हमें देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ तो साफ साफ वार्निंग दिया गया है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, पर ये क्या हमारे लोग तो नीचे महंगी गाड़ियां पार्क करे हुए हैं और कुछ लोग तो अपना बिजनेस चला रहे हैं वो भी एसी लगा के। भैया हम आपके पड़ोसी राज्य से आए हैं, उड़ीसा से। ए भगवान अगले जन्म मैं कुत्ता ही कीजो।